जैसा भी बताया गया, कुछ लोगों की राजनीति केवल और केवल बहन जी को गाली देकर ही उन्होंने राजनीति सीखी। उसमें चाहे पासवान जी रहे, चाहे रामदास अठावले रहे, और चाहे उस टाइम के हमारे चेयरमैन रामराज उदित राज रहे, हम लोगों का मूवमेंट चल रहा था। लाखों की संख्या में हर साल हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली करते थे, सरकार पे दबाव बनाते थे, एमपीओ की मीटिंग होती थी पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में होती थी। और एक बार शायद आप सब लोगों को याद होगा, माननीय साहब एक उस मीटिंग में आए, एक बार आए थे, उनके सिग्नेचर और फोटो है हमारे पास। लेकिन जिस इंसान ने अध्यक्ष के रूप में लगातार 3 साल तक संस्था को अपना नेतृत्व दिया, और जब उसने राजनीति में जाने की सोची तो उसका भी वही ध्येय बना कि किसको गाली देकर के मैं नेता। उसके 2 काम थे, एक उसने अपने समाज को, हमारे पूरे समाज को सब कास्ट में बांटा, और दूसरा उसने बहन मायावती जी को मन से गाली देना स्टार्ट किया। और तीसरी जब 1999 की रैली हुई, उसके बाद में इस परिषद ने निर्णय लिया, उसके कुछ ही दिनों बाद हमने मानेंद्र हाल में बहुत बड़ी मीटिंग की और उसको अध्यक्ष पद से हटा। केवल और केवल एक ही मतलब था, इसने समाज को तोड़ा है, इसने हमारे समाज की नेतृत्व वाली की। अगर मैं गलत कर रहा तो बताइए दोस्तों, इसको निकालने का इसके अलावा कोई और था। लेकिन हमें अफसोस है इस बात का, हमने बहुत बार बहन जी से मिलने की कोशिश की, शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रही कि परिसर का नाम आते ही बहन जी ने हमें कभी मिलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो भी परिसर के नाम से अपना संस्था चला रहा था। और हम लोग आज यहाँ सभी लोग जितने भी हमारे विभिन्न अपने तो उसके हैं डिपार्टमेंट्स के साथी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी। तो साथियों, मैं आप लोगों के सामने साथ में अपने जो हमारे बीएसपी के जितने भी लीडर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि कोई भी हमारी, आज भी कई बार ऐसी मीटिंग हो गई मंच से, शायद किसी एक आध साथी ने कुछ ऐसी बात रख दी बीएसपी या बहन जी के बारे में, तो सभी लोग जूता निकाल के खड़े, हम आज भी नहीं सुन सकते बहन मायावती के बारे में कोई। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बीएसपी को और बहन मायावती जी को पूरी इज्जत दी है, उनको अपना नेता माना है और मानते रहेंगे। लेकिन साथ में हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जिन लोगों ने उनके लिए इतना कुछ किया, कम से कम एक आध बार उनको मिलने का मौका मिलना चाहिए था, वो निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में हम चाहेंगे कि अगर हमारी गतिविधियां, हमारी जितनी हमारी कोशिशें हैं, चाहे वो सरकार बनाने में रहे और चाहे पार्टी को मजबूत करने में रहे, हम लोगों को केवल इतना ही चाहते हैं, हमें पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम कभी ना कभी वो इस चीज को रिकॉग्नाइज जरूर करें कि ये वो लोग हैं जो रामराज के साथ ना थे, ना है, ना रहेंगे। मेरी सबका प्रसाद आप सभी का, खासतौर से हमारे जितने भी गेस्ट हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आप सबका भी, आप इतने छोटे से, कल हमने मैसेज डाला और आज आप इतनी संख्या में, क्योंकि भीड़ चाहते तो बहुत होती, अभी एक प्रोग्राम तो 250 लोग थे, दोनों और भरे हुए थे सर, लेकिन हमने केवल ये क्योंकि आपकी बात को रखना था, अपनी बात को आपके सामने रखना था, केवल अपने सभी संस्थाओं के हेड्स को बुलाया है। मेरी शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, और इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा, धन्यवाद।